भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों का केंद्र बना हुआ है। चीन लगातार श्रीलंका में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, तो अमेरिका ने भी हाल ही में श्रीलंका को हथियार बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसने श्रीलंका के प्रति देश की नीति में बड़ा बदलाव किया है। 2015 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की जब यात्रा की, तो वे 27 सालों में ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के श्रीलंका से अच्छे संबंध अतीत में रहे ही हैं। श्रीलंका की विश्व नक्शे पर भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि उस पर महाशक्तियों की निगाह लगी हुई है। क्या श्रीलंका भारतीय महाद्वीप का अगला अफगानिस्तान बन जाएगा, जहां अनेक महाशक्तियों की दखलंदाजी उसे बर्बाद कर देगी, या फिर वह भारत के साथ जुड़कर अपनी स्थिति बचाएगा? इन्हीं समसामयिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इतिहास के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर सुशीम पगारे। मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में सर का बहुत स्वागत करता हूं। सर, श्रीलंका इन दिनों चीन, अमेरिका और भारत की विदेश नीति में प्रमुखता लिए है, क्या कारण है? देखिए, जो भौगोलिक विश्व का जो भौगोलिक नक्शा है, उसमें जो श्रीलंका की स्थिति है, वह बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है श्रीलंका की। श्रीलंका के तट के पास से सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है जी। आप इधर साउथ अमेरिका से आए, आप दक्षिण अफ्रीका से होते हुए एशिया की तरफ आए या भारत की तरफ आए, आप स्वेज कैनाल क्रॉस करके अरब सागर, लाल सागर क्रॉस करके अरब सागर में, अरब सागर से फिर दक्षिण भारत की तरफ आएँ, या उधर आप सुदूर पूर्व की तरफ अपने जहाज लेकर के जाएं, तो आपको श्रीलंका के तट के पास से ही होकर के गुजरना पड़ेगा। श्रीलंका के बाद नीचे बहुत बड़ा हिंद महासागर आप देखते हैं कि खुला पड़ा हुआ है जी। सारे विश्व के ऊपर अमेरिका दबदबा चाहता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जाहिर सी बात है। आपको पता होगा हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्शिया पर अमेरिका ने बहुत साल पहले कब्जा कर लिया था, और उसको लेकर के बड़ा हल्ला मचा था कि अमेरिका यहाँ पर द्वीप के ऊपर क्यों आकर के बैठ गया है। चीन ने भी इसका बहुत कड़ा विरोध किया। भारत की उस समय जो विदेश नीति थी, वह सोवियत रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, हम प्रो सोवियत रूस हमारी विदेश नीति हुआ करती थी, तो निश्चित तौर पर हल्ला मचा उसको लेकर के। तो अब श्रीलंका की जो स्थिति है, उसमें चीन हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। श्रीलंका में वह इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जैसा पाकिस्तान में किया है, जैसा पाकिस्तान में वह कर रहा है, और वैसा ही वह श्रीलंका में हम्बनटोटा का पूरा पोर्ट बना रहा है। अब चीन अगर किसी देश में जाए और इन्वेस्टमेंट करे और वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करे, तो अमेरिका को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हिंद महासागर में चीन की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी बढ़े, और किसी न किसी तरह येन केन प्रकारण वह चीन के साथ अमेरिका के, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दबाने के लिए अमेरिका लगा रहता है। तो जब चीन श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट बढ़, अब चीन की अपनी नीतियाँ हैं, वह भारत को घेरना चाहता है, एक तरफ वह औद्योगिक उत्पादन के द्वारा, व्यापार के द्वारा वह अमेरिका से तो होड़ कर ही रहा है, सैन्य और आर्थिक महाशक्ति है वह, तो स्वाभाविक तौर पर अब रूस खत्म हो, सोवियत रूस का अस्तित्व समाप्त होने के बाद, विखंडित होने के बाद एकमात्र ऐसा देश चीन है जो अमेरिका के लिए चुनौती है। तो जब चीन का वहाँ हस्तक्षेप बढ़ रहा है, और चीन दो तरह से दोहरी नीति के ऊपर चल रहा है, श्रीलंका में घुसकर वह भारत के ऊपर नियंत्रण चाहता है, जिस तरह से वह पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहा है, नेपाल में वह बहुत कुछ घुसना चाहता है या घुस चुका है, भूटान में भी वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, वह बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मालदीव में भी उसका हस्तक्षेप है, तिब्बत में दखलंदाजी, तिब्बत में तो वह कब्जा करके बैठा ही है। तो उसका सारा उद्देश्य भारत को घेरना है, और भारत को तो घेरना है ही, साथ ही साथ सुपर पावर जो अमेरिका है, उसको भी वह किसी तरह उसके समक्ष अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो श्रीलंका में इन दिनों आप देखते हैं कि भारत अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है,
चीन वहां पर बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सैन्य सामान की सप्लाई कर रहा है, वहां पर पोर्ट बना रहा है, और अमेरिका भी वहां पर अपना हस्तक्षेप, चीन के हस्तक्षेप को बढ़ता हुआ देख करके बढ़ा रहा है। इसलिए श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया शक्ति परीक्षण का केंद्र बनकर उभर कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल। सर, जैसा कि भारत और श्रीलंका के संबंध लगभग 2,500 वर्षों के हैं, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि संबंध खराब होते जा रहे हैं? देखिए, भारत और श्रीलंका के संबंध 2,500 साल से रहे हैं अतीत में, और अच्छे संबंध रहे हैं। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसा क्या हो गया कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में वह गर्मजोशी नहीं रही, वह बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। आपको जैसे हम ऐतिहासिक इतिहास के पन्नों को खंगालें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा। तो इसका मतलब है कि मौर्य युग में भारत और श्रीलंका के संबंध अच्छे थे, और अशोक जो सम्राट अशोक जो कि पाटलिपुत्र में रहता था, सुदूर दक्षिण में श्रीलंका समुद्र पार करके अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, और उसके बाद से आप देखते हैं कि श्रीलंका में आज भी प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। लगभग 70-80% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वहाँ पर, जितने भी सिंहली लोग हैं। जी तो भारत और श्रीलंका के संबंधों में बहुत आप देखते हैं कि हजारों सालों की का संबंध है भारत और श्रीलंका का। रामायण युग से रामायण युग की भी आप बात कर लें तो भाई भारत के अयोध्या के राजा राम ने अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया, और वह लेकर के आए, वह पूरी कथानक हमारे दर्शकों को सबको पता है। 8वीं 9वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं शताब्दी में भी हम देखते हैं कि भारत के जो चोल राजवंश था दक्षिण का, उसने श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब हम उससे भी अगर आगे बढ़े और हम और ज़्यादा इतिहास में न जाते हुए हम सीधे 20वीं शताब्दी में आए कि बी या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए कि श्रीलंका और भारत के संबंध क्यों खराब हो गए। 47 में भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, 48 में अंग्रेजों के कब्जे से श्रीलंका आज़ाद हुआ, 1815 में जब सीलोन कैंडी का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, तब श्रीलंका जो कि सिलोन कहलाता था अंग्रेजों के ज़माने में, वह अंग्रेजों के हाथ में चले गया। अब भारत और श्रीलंका के संबंध क्यों खराब हुए 20वीं शताब्दी में? श्रीलंका 1971 तक तो डोमिनियन बना रहा, 1971-72 तक अंग्रेजों आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेजों का डोमिनियन बना रहा, और 72 में अलग हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में बना। इसी बीच हम देखते हैं कि श्रीलंका में 1976 में लिट्टे बना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। अब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम क्यों बन गया, यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो जब 1815 के बाद श्रीलंका में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और वहां पर जो चाय के बागान थे और वहां पर जो रबर की खेती हुआ हुआ करती थी, लाइक तमिलनाडु। जी हाँ, तो उस वह एक ऐसा तो कैश क्रॉप थी, यानी उसमें चाय का एक्सपोर्ट श्रीलंका से उत्पादन और एक्सपोर्ट अंग्रेजों ने बढ़ाया, रबर का उत्पादन और एक्सपोर्ट अंग्रेजों ने बढ़ाया। अब इन खेतों में, चाय के बागानों में या रबर के उत्पादन में जो काम करने वाले जो लोग थे वो तमिलनाडु से आए। जी अंग्रेज लोग तमिलनाडु से ले जा करके मजदूरों को मजदूरों श्रीलंका के चाय के बागानों में और रबर के लगा उत्पादन देते में थे। लेबर के रूप में उनसे काम लेते थे। जी तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तमिल लोग आकर के श्रीलंका में बस गए। अब जब तमिल लोग श्रीलंका में बस गए और उनको 100-150 साल हो गए, पौने 200 साल हो गए, तो वो लगभग श्रीलंका के क्या बन गए, नागरिक बन गए। 3-4 पीढ़ियां वहां पर तमिलों की हो गई। अब जब आज़ाद हुआ श्रीलंका, श्रीलंका का जब संविधान लागू हुआ, तो आज़ाद श्रीलंका ने 1956 में एक कानून बना दिया जिसमें सिंहली लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। जी अब 1956 के इस कानून के बाद से सिंहली लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में धीरे धीरे खाई बनना शुरू हुई। जो खाई धीरे धीरे इतनी ज्यादा बनी, जब श्रीलंका का 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात रखी गई कि सिंहली लोगों को श्रीलंका में प्रमुखता मिलेगी और तमिलों को नहीं मिलेगी। इसके विरोध में लिट्टे बना, और जब लिट्टे का गठन हुआ 1976 में, तो उसके आप देखते हैं कि 7 साल बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। उनका यह कहना था, उत्तरी श्रीलंका में जो वो बसे हुए थे, उनका यह कहना था कि आप हमें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मान सकते,
हम भी 100-150-200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारे को भी वैसे ही नागरिक अधिकार दिए जाए जैसे सिंहली लोगों को नागरिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के तहत। इसको लेकर के भारत और श्रीलंका में विग्रह की शुरुआत हुई जी। अब उन्होंने तो पूरा युद्ध छेड़ दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर प्रभाकरण के नेतृत्व में लिट्टे के लोगों ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से आकर के मिले थे और उन्होंने मदद मांगी कि आप ये लिट्टे के जो ये मुक्ति चीते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल है, इनसे हमें बचाइए और आप इनका विद्रोह किसी तरह से शांत कीजिए। अब राजीव गांधी, जैसा कि आपको पता है कि वो पायलट थे, कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं थे, ये तो आप भी जानते हैं कि वो उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उनकी माता की एक्सीडेंट हत्या के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा, जो भी परिस्थितियां रही हो वो अब सारी बातें इतिहास में दर्ज है। तो राजीव गांधी को जयवर्धन ने मेरी दृष्टि में चालाकी से इस्तेमाल किया। भारतीय प्रधानमंत्री को उन्होंने समझौते के तहत इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे भारतीय सेना को श्रीलंका में भेजें और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई और उनको उन्होंने तमिल चीतों से लड़वा दिया। तो एक तरह से अगर आज हम अब समीक्षा करने बैठे हैं, उस राजीव गांधी हत्या का कारण भी वहीं से जन्मा था, कारण भी बना और तमिलों को भारतीय सेना से भिड़वा दिया। तो यह जयवर्धन की चालाकी थी जिसको आज हम समझ सकते हैं, उस समय शायद लोग नहीं समझ पाए या उस समय के जो भी विदेश मंत्रालय के लोग थे, भारतीय थिंक टैंक जो भी उस समय रहा होगा, वह जयवर्धन की चालाकी नहीं समझ पाया और भारतीय सेना को LTTE वालों से भिड़वा दिया गया। आपको पता होगा 10-11 हजार शांति सैनिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना को 1947 के बाद अगर हम युद्धों सबसे बड़ी क्षति हुई थी, पाकिस्तान और चीन के युद्धों को छोड़ दें तो बहुत बड़ी क्षति हुई थी। और किस लिए क्षति हुई कि तीसरे देश में जाकर के किसी तीसरे देश की आंतरिक समस्या को लेकर के भारतीय सेना अपना बलिदान दे रही है। तो यह नीति इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजने की पूरी तरह असफल सिद्ध हुई और इतने ज़्यादा जब हजारों सैनिक मर गए तो बहुत ज़्यादा दबाव राजीव गांधी के ऊपर भी पड़ा और राजीव गांधी को वापस बुलाना पड़ा। इसके बाद भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। श्रीलंका में मुक्ति चीते या तमिल लोगों को श्रीलंका की सेना नहीं खत्म कर पाई। अब जब उससे भारतीय सेना वापस आ गई तो उसके बाद से हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध और ज़्यादा खराब हो गए। श्रीलंका ने पाकिस्तान से भी मदद ली LTTE वालों को नष्ट करने के लिए, श्रीलंका ने चीन से भी मदद ली, श्रीलंका ने ब्रिटेन से भी हथियार खरीदे और आप देखते हैं कि स्थिति 21वीं शताब्दी में आकर के इतनी भारत और श्रीलंका की खराब हो गई। जब 2009 में श्रीलंका की सेना ने तमिलों का बिल्कुल कत्लेआम करते हुए लिट्टे का सफाया किया 2009 तक आते, तो हजारों तमिलियों का जिसमें सिविलियंस भी थे, भाई आप लिट्टे वालों से लड़के उनको मारते हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि वो विद्रोही हथियार लेकर के विद्रोह कर रहे हैं, पर आम तमिल नागरिक को अगर आप मार रहे हैं तो वो मानवाधिकार के खिलाफ है। तो स्थिति भारत और श्रीलंका के संबंधों की इतनी खराब हो गई कि भारत ने 3 बार UNO में श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाया। तो यह श्रीलंका के लिए भी बहुत अपमानजनक स्थिति थी कि भारत उन मानवाधिकार आयोग की बात उठा रहा है UNO में श्रीलंका में। मानवाधिकारों का हनन हुआ क्योंकि जब वॉर होती है तो सबसे पहले यदि कोई किसी चीज़ की हत्या होती है या कोई चीज़ समाप्त होती है तो वह मानवाधिकार समाप्त होते हैं। तो मानवाधिकारों का समापन होना ही था। श्रीलंका आज भी जवाब नहीं दे पाता है कि आपने सिविलियंस की क्यों हत्या की। बहरहाल 2009 में उन्होंने लिट्टे का पूरी तरह सफाया कर दिया और सफाया करने में चीन ने मदद की, पाकिस्तान ने मदद की और इंग्लैंड ने भी मदद की हथियारों के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अगर हम 2009 का श्रीलंका और भारत देखें तो हमारे संबंधों में या उसके बाद का भी कुछ समय का भारत देखें 4-5 साल बाद का और श्रीलंका देखें 2014 तक, तो हमारे संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और भारत और श्रीलंका के बीच में राजीव गांधी की हत्या के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहे। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के संबंधों की स्थिति क्या है? देखिए, आज श्रीलंका और पाकिस्तान के संबंधों की यदि स्थिति हम देखने जाएं तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। श्रीलंका में बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, तमिल हैं, मुस्लिम भी हैं। और अभी हाल ही में ईस्टर में जो आप देखते हैं कि ईस्टर के समय श्रीलंका के चर्चेस में जो विस्फोट हुआ
उससे बड़ा हंगामा भी हुआ और उसकी जो लिंक है विस्फोट करने वाले लोगों की लिंक पाकिस्तान तक गई। तो आज हम देखें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि श्रीलंका में रहने वाले जो मुस्लिम हैं उन लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिल करके वहाँ पर विस्फोट किए। पर अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ या और 50-60 साल पीछे ले जाऊँ, 80 साल पीछे ले जाऊँ, तो आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि जब पाकिस्तान का की मांग हुई भारत के में, जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो 1940 में श्रीलंका के मुसलमानों ने पाकिस्तान के निर्माण की का समर्थन किया। भारत में जब मांग उठी जिन्ना के नेतृत्व में कि हमारे को हमारा पाकिस्तान दे दिया जाए, धर्म के आधार पर उन्होंने बंटवारे की जब मांग की शुरुआत की, तो हम देखते हैं कि 1940 में श्रीलंका के मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। बाद के दशकों में भी हम देखते हैं कि श्रीलंका का जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान ने भी श्रीलंका की बहुत मदद की। 1971 में जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम आरंभ हुआ, तो पाकिस्तान भारतीय वायुसेना का उपयोग तो नहीं कर सक वायु क्षेत्र का उपयोग तो नहीं कर सकता था, तो पाकिस्तान के हवाईजहाज श्रीलंका के पोर्ट में जाते थे, वहाँ उतरते थे, वहाँ से पेट्रोल डला करके फिर बम गिराने ईस्ट पाकिस्तान जाते थे, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो श्रीलंका और पाकिस्तान के संबंध अतीत में बहुत बढ़िया रहे, और जब लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका के सैनिकों ने कार्रवाई शुरू की तो बहुत सारे हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान ने भी की। पर अब आज की स्थिति में देखते हैं तो पाकिस्तान स्वयं आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, अब वह श्रीलंका की किसी भी तरह से मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो भारत के लिए मौका है कि वह श्रीलंका में प्रवेश करके अपनी स्थिति को बेहतर करे और सुदृढ़ करे। जैसा कि आपने राजीव गांधी की ज़िंदगी पर बनी फिल्म मद्रास कैफे देखी होगी, उसमें लिट्टे समस्या को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, सरल नहीं किया गया। लिट्टे समस्या क्या थी और भारत इसमें कैसे उलझ गया? भाई देखिए, लिट्टे समस्या, आपने जो फिल्म का नाम लिया मद्रास कैफे, जी हाँ, अब फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना है इसलिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जो फिल्म थोड़ी काल्पनिक भी रहती है। हाँ, फिल्मकार रहते हैं वो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, काल्पनिकता का पुट देते हैं और रोमांचक बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नाटक भी है, वो एक कहानी है और उस कहानी के ऊपर फिल्मांकन किया जाता है। तो अब उन्होंने अपने, और फिर उनके एक बात और रहती है कि उनके कुछ कमर्शियल एंगल रहते हैं कि फिल्म को चलाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपये का उसमें निवेश होता है, तो जो भी निर्माता निर्देशक रहते हैं वो निवेश से लाभ भी कमाना चाहते हैं, तो उसमें काल्पनिकता आ ही जाती है फिल्म के अंदर। पर भारत और श्रीलंका के संबंधों में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, जो लिट्टे की समस्या थी उसकी जड़ में वही हम देखते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो विभिन्न राजनीतिक समस्या है, संबंधों को लेकर के खिंचाव और तनाव रहता है आपसी देशों में, भारत पाकिस्तान में तनाव है, भारत श्रीलंका में है, भारत बांग्लादेश में है, भारत अफगानिस्तान में रहे हैं, भारत आप देखें कि बर्मा और भारत के संबंधों को लेकर के भी समस्या रहती है, भारत चीन संबंध ठीक नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि अंग्रेज़ों की नीतियां आ जाती है, जो उत्तरदायी हम जड़ में ढूंढने जाएँ उसका कारण तो अंग्रेज़ों की नीतियाँ सामने आ जाती है। तो श्रीलंका के अंदर जो भी लिट्टे वाली जो समस्या रही उसमें भी वही अंग्रेज़ों वाली बात आ जाती कि अंग्रेज़ों ने, मैंने आपको जैसा बताया कि तमिलनाडु से बहुत सारे लेबर लेकर के वहाँ जा कर के बसा दिए, और जब वो बाहर निकले अंग्रेज़ लोग वहाँ से तो वो वहीं रह गए लेबर लोग, वो भी कहाँ जाते। और जब लिट्टे की समस्या प्रारंभ हुई, वहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, लाखों तमिल लोग श्रीलंका बोट में बैठ करके तमिलनाडु आ गए, भारत आ गए शरणार्थी के रूप में। अब इन लाखों शरणार्थियों को भारत कैसे रखे अपने, भले ही वह तमिल भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति तमिल संस्कृति है, उनकी शरीर वैसा है, भारत से उनकी निकटता है, भाई वो भाग करके जाते कहाँ, 56 किलोमीटर दूरी तो भारत है श्रीलंका से, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब लाखों शरणार्थी, लाखों शरणार्थी जब भारत आ गए 1984 के बाद से जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ श्रीलंका में, तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई कि इन शरणार्थियों को कैसे रखे भारत। और जब वह समस्या विकराल रूप लेती चली गई तो भारत ने, आप देखिए कि बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो गई, तमिलनाडु
कि भौगोलिक स्थिति श्रीलंका से बहुत निकट है, और जो भी शरणार्थी भाग करके तमिलनाडु आए, और तमिलनाडु इसलिए भी आए कि वो भी तमिल भाषी लोग थे, इवन आप पहचान नहीं कर सकते चेहरे से भी कि तमिल है कि श्रीलंकन है कि तमिल है, मूलतः भारत का है, वो तो तमिल ही था। अब जब ये समस्या प्रारंभ हुई तो तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है वह तो तमिल शरणार्थियों के साथ है, और जो भारत सरकार है वो श्रीलंका सरकार के साथ मिल करके तमिल गोरिल्लों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। बड़ी विचित्र स्थिति, विचित्र स्थिति कि आप देखिए कि भारत सरकार तमिलों के खिलाफ, लिट्टे के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, और लिट्टे और जो भी गृह युद्ध हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप जो सिविलियन लोग हैं, जो सामान्य आदमी है, वह भाग करके तमिलनाडु में आ रहा है, तो तमिलनाडु की राज्य सरकार शरण दे रही है, उनको आने दे रही है, और उनके रहवास की व्यवस्था भी कर रही है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी भारत के लिए भी कि वह इस समस्या का कैसे समाधान निकाले, कि राज्य सरकार तो तमिलों के साथ है, शरणार्थियों के साथ है, और भारत सरकार लिट्टे के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। श्रीलंका में चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के साथ भारत कहाँ बैठा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और श्रीलंका के संबंध 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत अच्छे नहीं रहे, 2500 साल पहले या 2500 साल के इतिहास में कैसे भी रहे हों, पर आज की दृष्टि में हम देखते हैं कि हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। अब चीन श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, श्रीलंका में पोर्ट बना रहा है, और मैं आपको बताऊं कि हाल ही में चीन ने एक बहुत बड़ा युद्ध बेड़ा, एक जहाज, वह श्रीलंका को फ्री में दे दिया है जी, मुफ्त में भेंट कर दिया। 2015 में वह चूंकि पुराना हो गया था तो चीनी नौसेना ने उसको अपने बेड़े से बाहर कर दिया, पर उसको फिर से नया करके उन्होंने श्रीलंका को दिया, और श्रीलंका के सैनिकों की, नौसैनिकों की उन्होंने ट्रेनिंग भी चाइना में करवाई। हम्बन टोटा का पोर्ट वहाँ पर बना ही रहा है, आपको जैसा कि पता होगा चीन बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस बनाने के काम भी चीनी कंपनियों के हाथ में है, तो चीन लगातार श्रीलंका में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अमेरिका और श्रीलंका के संबंध भी इसलिए अच्छे हैं या रहे हैं क्योंकि 2007 में अमेरिका और श्रीलंका ने भी एक संधि कर ली। उस संधि के तहत अमेरिका के जितने भी पोर्ट हैं उन पोर्ट्स में श्रीलंका के जहाज जा करके, सैनिक पोर्ट, नौसैनिक पोर्ट में भी श्रीलंका अपने जहाज ले जाके खड़े कर सकता है, वहाँ पे उसका मूवमेंट हो सकता है। ऐसे ही अमेरिका के जो युद्ध बेड़े हैं या जहाज हैं वो श्रीलंका के युद्ध पोर्ट्स में घुस सकते हैं या वहाँ अपने आना जाना कर सकते हैं। तो अब इन दो महाशक्तियों के बीच में निश्चित तौर पर भारत की स्थिति क्या होगी, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न भारत के समक्ष था। मोदी जी ने आकर के इस यक्ष प्रश्न को हल करना शुरू किया है। मोदी जी श्रीलंका में पूरी तरह सफल हो गए हों ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 1915 में श्रीलंका गए 27 साल बाद। राजीव गांधी की हत्या के बाद कोई भी प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर नहीं गया जी। मोदी जी ने आकर के श्रीलंका के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया, और मोदी जी समझ गए कि यदि हमने श्रीलंका को अपने साथ नहीं किया तो श्रीलंका चीन के हाथों में चला जाएगा, अमेरिका नहीं जाने देगा, अमेरिका रोड़े अटकाएगा, यह बात हो सकती है, पर अमेरिका कितने रोड़े अटकाएगा, क्या करेगा, यह हमारे लिए प्रश्न का विचारणीय प्रश्न नहीं हो सकता, हमें तो हमारी स्थिति देखना है। तो अगर चीन आपको मालदीव से भी घेर रहा है, श्रीलंका से भी घेर रहा है, तो एक चिंतनशील प्रधानमंत्री होने के नाते यह उनके लिए ज़रूरी था कि वह श्रीलंका के प्रश्न को एड्रेस करें, श्रीलंका को की तरफ देखें, और उन्होंने पिछले, आप देखते हैं कि 5 सालों में मोदी जी की प्रशंसा करनी होगी कि 3 श्रीलंका यात्राएं कर ली, 2015 में गए, 2017 में गए, और 2019 में भी गए, ईस्टर का जो वहां पर बम विस्फोट हुए थे तब उन्होंने एक थोड़ी समय के लिए यात्रा की थी। तो मोदी जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि वह श्रीलंका में चीन को रोकने के लिए कम से कम अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। ये महाशक्तियों की जो खींचतान चल रही है इस मामले को लेकर, इससे क्या श्रीलंका के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? देखिए, श्रीलंका के अस्तित्व को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, खड़ा होगा या न होगा ये तो खैर भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, पर निश्चित तौर पर चीन और श्रीलंका की उपस्थिति और फिर भारत का भी उसमें घुस जाना, क्योंकि हमारे अपने हित हैं तो हमें अपने हितों को तो देखना पड़ेगा, तो हमारे अपने हितों को हमें देखना पड़ेगा, और फिर अतीत में जो सरकारों की गलतियाँ हुई है 30-40 सालों में, 35 सालों में,
तो उन भारत की सरकारों की जो गलतियां हैं उनको भी हमें एड्रेस करना है। भारत दक्षिण एशिया में तो महाशक्ति है, विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है, तो जब भारत भी घुस रहा है, चीन और अमेरिका वहाँ घुस रहे हैं, तो श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति, सैन्य रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों के बीच में संतुलन बैठा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की क्या स्थिति हो गई जब रूस घुस गया वहाँ पर, तो जब रूस घुसा तो अमेरिका की अपने आप रुचि अफगानिस्तान में हो गई, रूस को किसी तरह दबाव बना करके रूसी सेनाओं को अफगानिस्तान से बेदखल किया गया, तो जैसे ही रूसी सेनाएं हटी वहाँ आतंकवाद घुस गया और आतंकवादियों के लिए वो बहुत बड़ी शरण स्थली बन गया। तो आज भी अफगानिस्तान आप देखते हैं कि शांत नहीं है, रूस के चले जाने के 30-40 साल बाद भी अफगानिस्तान क्या बना हुआ है, एक यानी ऐसा देश है कि जो लगभग बर्बाद हो चुका है और पुनर्निर्माण का दौर वैसे प्रारंभ हुआ है पर अफगानिस्तान की स्थिति से समझा जा सकता है। अब श्रीलंका इसमें कैसा संतुलन बैठाएगा यह देखने वाली बात। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, उसका छोटा सा जवाब चाहूँगा। जैसा कि जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि भारत का जो पैर है, जो उसके चरण है, वो एशियन अरेबियन सी से घिरे हुए हैं, बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए हैं और प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। तो कोई भी देश यदि उससे युद्ध करता है तो वो वहाँ जाकर पराजित हो जाएगा, क्योंकि उसे उस तरफ से आने का रास्ता नहीं है। लेकिन चीन श्रीलंका की मदद के बहाने उसकी नीयत में आपको कुछ खोट दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा खोट दिखाई देता है। और देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जो भारत के रक्षा मंत्री रहे, बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी नेता, लंबा संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, मजदूरों के लिए भी काम किया और भारतीय राजनीति में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही अपने ज़माने में, जी वो है नहीं। तो जॉर्ज फर्नांडिस हमेशा कहा करते थे कि भारत के लिए पाकिस्तान समस्या बड़ा खतरा नहीं है, चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो यह उनकी बात तथ्यात्मक लगती है, उसमें दम भी लगता है कि चीन भारत के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम हर तरह से आगे हैं, शक्तिशाली हैं, सैन्य संख्या में, मैन पावर में, हमारे आधुनिक हथियार उनके बराबर नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ मानव संसाधन बहुत विशाल है। तो भारत के लिए चीन खतरा निश्चित तौर पर है। और चीन आप देखिए कि लगातार कोशिश कर रहा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि चीनी नौसैनिक बेड़े ने, जहाज़ों ने मालदीव्स में भी जाकर के कुछ पनडुब्बियां वहाँ आकर के वो पोर्ट में रुकी और श्रीलंका में भी उनके बड़े युद्धक बेड़े आकर के रुके, तो यह क्या दर्शाता है। और चीन में एक पोर्ट का निर्माण करना, पूरे एक हार्बर का निर्माण करना, तो यह सब दर्शाता है कि चीन किसी न किसी बहाने भारत को घेरना चाहता है। अच्छा, चीन के लिए भी दक्षिण एशिया में कौन सबसे बड़ा खतरा है? भारत ही है, क्योंकि भारत का मानव संसाधन, जैसे मैंने बताया, हमारी जनसंख्या चीन के लगभग लगभग होने वाली है, हमारी सैन्य संख्या भी बहुत, अन्य देशों से तो बहुत बड़ी सेना है, चीन के मुकाबले भले ही हमारे सैनिक कम हो, 39 लाख सेना चीन की सैन्य संख्या बताई जाती है, भारत की 13 लाख है, 3 गुना कम है, हथियार कम है हमारे पास, हमारे पास हथियार कम है, हमारे पास युद्धक विमान कम है, हमारे पास टैंक कम है, फिर भी जो भारतीय सेना का साहस चीन ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्धों में देखा है और 1962 के युद्ध में भी देखा है कि बगैर संसाधन के भारतीय सेना ने जिस दुस्साहस का परिचय दिया था, जिस शौर्य का परिचय दिया था, उससे चीनी सैनिक लोग घबरा गए थे। तो वह भारतीय सैनिकों के जज्बे को जानता है, भारतीय सेना के जज्बे को जानता है। तो चीन निश्चित तौर पर भारत को दबाना चाहता है। तो श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान में घुस करके तरह तरह से वो भारत पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारा यह शो आपको पसंद आया होगा और ख़ास करके उन विद्यार्थियों को जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर सुशीम पगारे जो आए और हमारी जिज्ञासा को उन्होंने शांत किया, मैं उसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। कृपया हमारे शो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।